देश में लॉकडाउन पार्ट टू के ऐलान के बाद अब इंडियन रेलवे ने भी 3 मई तक अपनी यात्री सेवा बंद करने की घोषणा की है। इससे पहले यात्री सेवाएं 14 अप्रैल तक निलंबित की गई थीं। रेल मंत्रालय ने कहा कि प्रीमियम ट्रेन, मेल एक्सप्रेस ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन, सबअर्बन ट्रेन, कोलकाता मेट्रो रेल और कोंकण रेलवे आदि को 3 मई तक के लिए निलंबित कर दिया गया। रेलवे ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी बाद में देने की बात कही है। दूसरी तरफ देश में फ्लाइट सेवाएं भी नहीं खुलेंगी। सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स भी 3 मई की रात 11:59 तक बंद रहेंगी। फिलहाल बसों को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है।